अरे तुम तो ठहरे परदेसी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? सुबह पहली, सुबह पहली, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? भैया हेलो, राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज, और आज बड़ा मलेरा में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा हूँ। सुबह से कई जगह कई पंचायत ने भैया वोट ही नहीं डाले गए। कुआपुरा पंचायत को गांव है जो बोलिंग पे, तो मतदान को बहिष्कार कर दो। 3-4-5 गांव में आदमी ने मतदान को बहिष्कार कर दो। कांग्रेस ये मुद्दा बना रही कि जय शिवराज सिंह को विकास है। सो सीधा पहले हम कुआपुरा पंचायत ले चले जहाँ बहिष्कार करो है ग्रामीण ने, और तब पूर्व मंत्री भाजपा के प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खाटी चुनाव प्रभारी हैं, जो पहुंचे थे गाँव वहाँ के मनावे। कलेक्टर एस सी के बुलावे की मांग पर गाँव के आदमी अड़े, पहले देख ले जाए। बड़ा मलेरा क्षेत्र की कुंवरपुरा पंचायत है, ईको बांकपुरा गांव है, इतने की मतदाता ने चुनाव को बहिष्कार कर दिया। उनको कह रहे हो कि उन्हें इस क्षेत्र में आज तक शासकीय योजना को लाभ नहीं मिला। बागवा क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आउट है, जहां पे 308 मतदाता है, 4 मतदाता ने वोट डाले, बाकी थे कोई ने वोट नहीं डाले। उनको कह रहे जब तक उन्हें लिखित आश्वासन प्रशासन नहीं दे रहा तब तक वे इतने वोट न डाले। मौका पर भाजपा के चुनाव प्रभारी हरिशंकर खाटी पहुंचे, लोगों ने समझा और ने कही है कि जब सड़क बिजली पानी की समस्या ऊपर कई भालू समाधान हुई है। इके संगे संगे एक और गांव है ग्वाड़ा तहसील के अंदर, गांव हंसडी है, इधर सुबह से लेकर 11:30 बजे तक को उन्हें चुनाव में वोट नहीं डालो। बाद में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों के समझाऊ के बाद जी कछू तैयार भाई फिर मतदान भाव। ऐसी ग्राम पंचायत मनकारी की बलिया पोलिंग पे भी मतदान को बहिष्कार करोगा है। बीपी नहीं लगी, एक तो ये परेशानी है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि जो सड़क की बात है, तो सड़क तो आप स्वयं देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ सड़क बनवा के दी है। बस्ती के अंदर की जो गांव के अंदर की सड़क है, आप लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत के सरपंच ने बनवा दी है, सिर्फ कागजों में बनवा दिए हैं, काम नहीं हुआ। हमने उनसे बोल दिया है कि अपन जाँच करवा देंगे, जाँच में सरपंच सचिव रोजगार सहायक या सीनियर जो भी दोषी होगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे अनुरोध किया अपन ने, आप चुनाव के प्रभारी हैं, आप क्या इस क्षेत्र में घूम सकते हैं? क्यों नहीं घूम सकते आप? मतलब बाहरी हैं? नहीं, हमारे बाहरी का निर्वाचन है, हमारे निर्वाचन अभिकर्ता हमारे साथ में, हम निर्वाचन अभिकर्ता के साथ में रह सकते हैं। वो अकेले, हमने पूरे विधानसभा प्रभारी भी हैं, हमारे प्रत्याशी बीमार हैं, इस कारण से अपन आ सकते हैं। बाकी हम सबसे जनता से अनुरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घूमने का अधिकार निर्वाचन अभिकर्ता के साथ में है, अकेले भी नहीं आए। एक ही कांग्रेस के नेताओं को तो बैन कर दिया गया कि वो कहीं नहीं जा सकते। कांग्रेस वाले जाने, अपन लोग भारतीय जनता पार्टी, भाजपा को क्या लक्ष्य छूट है? ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए ये बराबर है, शासन प्रशासन सबके लिए बराबर है। ठीक है, यहाँ यहाँ क्या स्थिति बनी है आपके समझाने के बाद? क्या आप लोग उनका निर्णय होगा स्वीकार करेंगे? जनता का जो आदेश होगा स्वीकार करेंगे? मतदान करने को तैयार है? मतदान करने के लिए वो जनता से पूछिए आप, अगर वो तैयार होंगे तो अच्छी बात है। एक और भैया जाओ तो मतदान को बहिष्कार कौन समझाइश दी जा रही, कश्यप ने मान कर नहीं मान रहे, मान जाए चल लो धीरे धीरे जो जैसे है तो चुनाव तो हो जाए। दूसरी खबर जाए तो ये कि भाजपा के नेता खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाओ। तो कल रात के मंत्री गोपाल भार्गव क्षेत्र पे सक्रिय देखे, जगह जगह उनने बैठ के हट के करी की वीडियो जैसी सोशल मीडिया पे वायरल भय। सो चुनाव आयोग के निर्देश पे जिला प्रशासन ने यह गंभीरता से लो और पुलिस ने गोपाल भार्गव, मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ मामला दर्ज कर लो। देख लो ये वीडियो। भाजपा पे लगातार आरोप लगत रहे कि भाई ये चुनाव में प्रशासन को पूर्व उपयोग कर रहे हैं और इनको क्या बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता के क्षेत्र से बाहर कर दो, लेकिन भाजपा के सैकड़ा नेता की गाड़ी फॉर्चुनर बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी पूरे क्षेत्र में घूम रही। रात में पूर्व मंत्री तबे जो पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव हते तबे पूरे क्षेत्र में घूमत रहे और इनके ऊपर मामला दर्ज करो। वो क्षेत्र में जगह जगह बैठक ली कि वीडियो रात के सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे और इसके बाद तबे हंगामा की स्थिति जब बनी तो फिर पुलिस ने मामला दर्ज इनके खिलाफ कर लो। जो ही पता चलते कि उमा भारती भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी भी भाजपा कार्यालय में बैठी नहीं मौजूद नहीं, इस टाइप की वीडियो जो पूरे क्षेत्र में रात भर दिखात रही के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करो है। पुलिस को क्या बोले एसपी सचिन शर्मा को क्या बोले कि उन्होंने मामला दर्ज करो है और आचार संहिता के उल्लंघन को मामला
गोपाल भार्गव में बना हुआ है। नया ट्रस्ट भी बनाना है और इसमें बाजना की कुछ जो प्रमुख लोग हैं सकारात्मक रचना का उनको भी रखना है। जा है भैया दशा। आप आदमी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव कैसे हुई है, हालांकि भाजपा वालों की जो दलील है कि भैया उनको प्रत्याशी बीमार है, फील्ड में नहीं है। हर जगह खटी को जो कह वो तो फील्ड में जब उनको प्रत्याशी नहीं है तो वे चुनाव प्रभारी के नाते क्षेत्र में सक्रिय हो कार्यकर्ता के बीच जा रहे हैं और मतदाता से केवल इतनी अपील कर रहे हैं कि वोट डालें, हम ये डालें जो नहीं कह रहे थे। हालांकि कांग्रेस आरोप लगा तो कुछ राजनीति आरोप प्रत्यारोप चलत रहा। शाम 6 बजे तक जो मतदान के लान है चुनाव होने मतदान होने शाम 5 बजे तक इसके बाद भैया फिर 10 तारीख के प्रत्याशी को भाग्य को फैसला हुई है। बड़ा बड़ा चुनाव पर शाम तक अपन नजर बनाए रहे भी तब तक लें। जयराम जी कही है।